हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादी बॉक्स। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ट्रे डेकोरेट करेंगे जिसे आप हल्दी और मेहंदी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक हैंडल लगे हुए वुडन ट्रे को लिया है और इसके हैंडल के ऊपर हम लोग गोल्डन वाले रिबन से पूरी तरह से कवर कर देंगे। इसके लिए मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ। इसे राउंड राउंड करते हुए पूरा कवर कर देना है। इस ट्रे को डेकोरेट करने में हम येल्लो एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे ताकि ये हल्दी और मेहंदी दोनों फंक्शंस में यूज़ हो सके। अब हम लेंगे ग्रीन कलर की लेस और नीचे वाले पार्ट पर इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इस ट्रे में यूज़ किए हुए मटेरियल्स की जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर DM कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक पिन्ड कमेंट में मेंशन्ड है। अब हम लोग एक पतली लेस लेकर ऊपर वाले पार्ट को भी कवर कर देंगे। लेसेस को पेस्ट करने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग नीचे वाले पार्ट्स और जहाँ पर भी हमें खाली लगे वहाँ पर लेसेस को चिपकाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन, येलो और गोल्डन लेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब हम ट्रे के अंदर वाले साइड के साइज का थर्मोकोल का पीस लेंगे और इसे येल्लो वेलवेट क्लॉथ से कवर कर देंगे। आप चाहे तो इसे साटन क्लॉथ से भी कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। इसे भी मैं ग्लूगन की हेल्प से कवर कर रही हूँ। अगर आप इस तरह की और DIY कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। तो हमारे थर्मोकोल का पीस कवर हो चुका है। अब इसे हम लोग अंदर वाले पार्ट पे चिपका देंगे। अगर आप वेडिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप के प्रोडक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लेंगे एक नेट क्लॉथ और इसे बीच वाले पार्ट से पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसे हम लोग फोल्ड करते करते पेस्ट करेंगे और एंड तक ले जाकर पेस्ट कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस को बीच में से दूसरे साइड भी हमें फॉलो करना है और पर्दे की तरह से इसे पकड़कर नीचे के साइड हम लोग को फोल्ड कर देना है। नीचे वाले पार्ट पे हम लोग को एक लेस का पीस लेकर इसे पेस्ट करना है ताकि ये यहाँ से अटैच हो जाए। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें ग्लूगन की हेल्प से इसे चिपका देना है और इसे पर्दे का लुक देना है जो बीच में से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ एंड होता है। तो चलिए अब हम लोग इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ग्लिटर लीफ को दोनों साइड चिपकाया है और बीच में वेलवेट रोज़ को चिपका दूंगी। अब हम लोग साइड्स में पियोनीज का यूज़ कर रहे हैं। ट्रे के नीचे वाले कॉर्नर्स में भी हम लोग पियोनीज और अदर फ्लावर्स को पेस्ट करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेंगे। यहाँ पर मैंने येल्लो, ग्रीन, वाइट कलर के पियोनीज एंड रोजेस का यूज़ किया है। छोटे छोटे स्पेसेस को फिल करने के लिए हम लोग फोम रोज, पॉलेंस एंड लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अंदर वाले पार्ट पे भी एक लेस का पीस लगा दिया है और ऊपर वाले पार्ट पे हम लोग बीच बीच के जगह पर फोम रोज को चिपका देंगे। यहाँ पे मैं छोटे बड़े दोनों साइज़ के फोम रोजेस का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ हैंडल वाले पार्ट पर मैं एक ग्रीन लेस को पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये नेट वाला पार्ट फिनिश्ड लगे। जहाँ जहाँ पे हमें खाली लग रहा है वहाँ वहाँ पे हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेसेस और फ्लावर्स को चिपकाते जाएंगे। दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग पतली लेस को पेस्ट करेंगे। अगर आप इस तरह के हल्दी मेहंदी प्लैटर्स या फिर एंगेजमेंट रिंग प्लैटर्स को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कनेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे कुछ छोटे छोटे बीड्स और एक बड़ी बीड। इसे हम लोग इस तरह से धागे में पिरो लेंगे और इसे यहाँ पर हैंग कर देंगे। ऐसे मैंने चार बनाए हैं, दो छोटे और दो बड़े। दोनों साइड पे हम लोग एक छोटा और एक बड़ा हैंगिंग को चिपका लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस पे एक्रेलिक कटआउट को अटैच करते हैं। ये मैंने हल्दी वाला एक्रेलिक कटआउट लिया है। इसके दोनों साइड पे हम लोग बॉल चेन को अटैच करेंगे और इसे हम लोग ट्रे में हैंग कर देंगे। नीचे मैंने मेहंदी वाला कटआउट भी अटैच कर दिया है ताकि ये दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंग बन जाए। तो हमारा प्लेटर रेडी है। अब हम लोग लेंगे मिट्टी की दो कटोरी। इसे हम लोग ग्रीन एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेंगे। अगर आप इसी ट्रे को सिर्फ हल्दी या सिर्फ मेहंदी के लिए बनाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर या येल्लो कलर को स्किप करके आप सिर्फ एक कलर कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए आप व्हाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो कटोरी के ऊपर अब हम लोग लेस पेस्ट कर लेंगे और हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। इसे हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे।
आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स के लिए प्लीज हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।